अच्छा, राजकुमार साहब का वो फेमस डायलॉग था ना, आपको जरूर याद होगा साहब, जरा फिर से सुनिएगा। जिनके अपने घर शीशे के हों, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। जी यही वाला। लेकिन बाबू ये राजनीति है, जहाँ सियासी नफा नुकसान के लिए नेता सब कुछ कर गुजरते हैं गुरु। हालिया भाजपा का ट्वीट देखिए। हालांकि डॉक्टर बाबू के निशाने पर विपक्ष है, लेकिन भैया तनिक ये भूल गए कि जो इंजेक्शन वो विपक्ष को पील रहा है ना, ओ उसका दर्द उन्हें भी सालने वाला है। ताड़िए ये ट्वीट और लगाइए जरा गुड़ा भाग। डॉक्टर बाबू कांग्रेस पर नारी सम्मान योजना के लिए झूठा करार देते हैं और बाकायदा तर्क देते हुए कैलकुलेशन लगाते हैं। अब भैया कांग्रेस की घोषणा अनुसार हर महिला को 1500 रुपए महीना दिया जाएगा यदि सरकार आती है तो। कुल पात्र महिलाएं 2 करोड़, मतलब योजना पूरी करने के लिए साल के पूरे 360 अरब राशि की आवश्यकता होगी। डॉक्टर बाबू का आगे का तर्क है कि प्रदेश की रेवेन्यू रसीद लगभग 45 करोड़ सालाना है। अब आरोप कि इतना पैसा टैक्स से निकालकर बांट देंगे तो बुनियादी सुविधाओं का पैसा कहां से आएगा, मतलब कांग्रेस जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी कर रही है। लेकिन डॉक्टर बाबू कांग्रेस तो 1500 पर अटक गई और आप तो बाबूजी पूरे 3000 रुपए महीने के सब्जबाग दिखा रहे हैं। और जिस दिन मौका मिल गया 3000 रुपया ये राशि कर दी जाएगी, हर महीना 3000। मतलब आपकी कैलकुलेशन पर आगे बढ़े तो भाजपा की घोषणा अनुसार साल का योजना को लेकर खर्च लगभग ये होगा। अब हुजूर ये क्या, आपकी राशि तो दोगुनी है, अब इसकी व्यवस्था है? खैर छोड़िए, ट्वीट ही तो है, कर दिया तो कर दिया। वैसे शब्द आपके ही हैं, छलावा धोखेबाज। बाकी आगे के समाचार ये है साहब कि मध्य प्रदेश में मौसम बदलने वाला है। अरे मतलब गर्मी से बारिश, बाकी जैसी जिसकी सोच।